नमस्कार। आज हमारे सामने जो गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें न सिर्फ आप और हम जानते हैं बल्कि सारी दुनिया उनसे परिचित है। नमस्ते। नमस्ते सर। हर बार चुनाव में आने वाले मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को हल करेंगे ये सोचकर जनता अपना वोट डालती है, लेकिन हर बार उसे निराशा होती है, उसके साथ धोखा होता है। आपके राज में भी ऐसे ही हो रहा है, क्यों सर? लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज महाराष्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गांव में डिश एंटीना है। कोने कोने में एसटीडी और आईएसटी के बूथ लगे हुए हैं। इंटरनेट है, हर आदमी के पास अपनी अपनी गाड़ी है। आज हर आदमी पाँव में जूता पहनता है, हाथ में घड़ी लगाता है, एसएल वर्ल्ड जाता है, मैकडोनल्ड में खाना खाता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ऊंचा हो गया है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों में एक भी आदमी भूखमरी से नहीं मरा। कोई किसान मैकडोनल्ड का बर्गर तो क्या दो वक्त की रोटी नहीं खा पाता, कोई मजदूर कार में नहीं घूमता बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे शहर में है सर। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। राशन की दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। बच्चे अभी भी सिग्नल पर भीख मांगते हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। तुम्हें मालूम है मेरे सीएम बनने के बाद स्टेट में पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है। केरला और मिजोरम में 90% है। इंडस्ट्री के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। क्राइम में भी नंबर 1 है। अब सिर्फ 35.8% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। पंजाब में 11.7% उसके नीचे है। और आज भी यहाँ गांव में एक आम आदमी की एवरेज इनकम सिर्फ 3 रुपया प्रतिदिन है। मिस्टर शिवाजी राव, पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। सर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये IMF रिपोर्ट, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का कहना है सर, जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं, उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए, इसलिए उन्होंने अपना अगला इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है बेटे, वर्ल्ड बैंक ने ऐसी शर्तें रखी थी कि सारी स्टेट गिरवी हो जाती। क्या शर्तें थी सर, जरा खुल के बताएंगे? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है, सुन रही है, यहां बताइए वर्ल्ड बैंक ने इंस्टॉलमेंट कैंसिल क्यों की? वो ऐसे नहीं बता सकता, पूरा पुलिंदा है 1000 पन्नों का, अनेक्सचर ABCD करके 18 सेक्शन है, सेक्रेटेरिएट में मिलता है, 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल। सर पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या सैलरी तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। केस? वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है, बम ब्लास्ट वाले भाईजत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे और आप कहते हैं केस करो, ये याद है सर? हाँ देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओ हाँ याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। हम जाति और अपराध रहित समाज की स्थापना करेंगे। समाज में कानून और व्यवस्था लाएंगे, औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सकेंगी, घर घर में बिजली पानी राशन होगा, पूरी शिक्षा मिलेगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। तुम मेरे पर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ वाले हाथ में तले जाएंगे? मेरी चिताओं के साथ सारा महाराष्ट्र चलेगा। एक बस ड्राइवर ने बस रोककर पूरे शहर में चक्का जाम करवा दिया। उसे पूछा तो कहता है कि रूलिंग पार्टी का आदमी।
दूसरा ड्राइवर जात के नाम से डराने लगा। कमिश्नर और पुलिस भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अपना वोट बैंक बचाने के लिए आपने सारा महाराष्ट्र जलने दिया। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे। सैकड़ों गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, मरे आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? क्या पकड़ा है? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, सबूत है मेरे पास। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टियर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं दो चार को पकड़ कर एक। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? बोलिए सर, क्या हुआ? What's happening? नंगा करके नहला रहा। अरे बोलना बुड्ढे, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे लेडाल हीरो, लेडाल। कैमरा बंद कर। क्या? काट डालूंगा। कसाई मंत्री। इसको बोलो बंद करे। बांधो। है? अरे बंद करो, बंद करो उसे, बंद करो कैमरा, बंद कर, बंद। साले बंद कर, नहीं तो मैं तेरी तो बात हूँ। अरे भाई साहब, अबे साले सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, बंद करो ये, बंद करो। ए दलियल बंद करो, ऐसे नहीं तो तेरा पूरा जंगल काट दूंगा, एक झाड़ नहीं बचेगा झाड़ने के लिए। बंद करो सबका। अरे यार जरा कैमरा कंट्रोल रूम की तरफ घुमा, यार तू चप्पल दिखा रहा है यार। हम उसको दिखा देते हैं, प्लीज कूल डाउन। कूल को पीछे डाल के कूल करो। कैमरा लेके यहाँ आ रहा है। बंद करो ये, बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली नहीं है। अरे तो इनको बोला ना, ये लोग क्यों नहीं बंद कर रहे? बेवकूफ, ये लाइव टेलीकास्ट से लाइव क्रिकेट मैच की तरह सारे देश की जनता देख रही है। चप्पल नीचे कर। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है और चप्पल में लगा गोबर भी दिख रहा है। गोबर प्रसाद, ये साले को MP बनना है। आइए साहब, ये लाइट लीजिए, एक बार चप्पल दिखाइए प्लीज। चप्पल कहाँ की थी? कोल्हापुर की थी या लखनऊ की थी जी? दादा बहुत हो गया इंटरव्यू, चले। अच्छा तो इंटरव्यू खत्म ना। जय हिंद। एक्सक्यूज मी सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग देख रहे हैं। लोगों को उनके सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। बैठ जाइए प्लीज। अच्छी डबिंग की है। मेरे जैसी आवाज वाले किसी से कुछ भी बुलवा कर जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इसे खुद मैंने अपने कैमरे से शूट किया है सर। ऑपोजिशन वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप ऑपोजिशन में होते तो कितना पैसा खिलाते? माइक पकड़कर सैटेलाइट टेलीविजन की आड़ में तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे और मैं उसका जवाब दूंगा। क्यों? जवाब देना आपकी ड्यूटी है सर, इसलिए 8 करोड़ लोगों ने आपको चुना है। मुख्यमंत्री क्या होता है जानते हो? आज तक एक बार भी CM के ऑफिस में आए हो? वहाँ की चौकट पार की है तुमने? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूं मैं? जो CM की कुर्सी पर बैठता है ना, वही जानता है। जब कभी कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा होता है तो जज्बाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता। मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूं और फिर से सुलझाता हूं। तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता, और यही मैंने उस दिन किया। उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर। जो समस्या आसानी से हल हो सकती थी उसे आपने अपने फायदे के लिए और बड़ा बनने दिया, और अब यहाँ बैठकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। डाल के देखो फिर पता चलेगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए CM बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है,
लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा बस, एक दिन 24 घंटे कुछ भी नहीं है। सर हम मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर, तब पता चलेगा कि कितने लोग एजुकेट हुए और कितने लोगों की गरीबी कम हुई। तब तुम यहाँ बैठना और मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इसी प्रोग्राम में, बोलो क्या बोलते हो? ये सीएम साहब क्या कर रहे हैं? वनडे मैच खेल रहे हैं सीएम की कुर्सी का। जब से बिहार होकर आए हैं अनशन बोलते रहते हैं। नहीं सर, वो आपका काम है, मेरा नहीं। बस हवा निकल गई, तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो, जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि दुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। बोलो बनोगे सीएम एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं, जवाब दो। या इंटरव्यू खत्म करें? ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तैयार हूं, एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा। ये फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। चलो अच्छा है, एक दिन मुझे भी पढ़े लिखे सीएम के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो ठीक है। जय हिंद। मैथमेटिक्स, थैंक यू वेरी मच। पूरा का पूरा धो डाला है।